Hello everyone, welcome to my channel Vasis Learning Institute, and today I am going to discuss the equation of a circle in complex analysis, also the inverse point with respect to a circle and then limit and continuity. इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन हम कुछ इस तरीके से बता सकते हैं इसको. लेट सी बी द सेंटर. सो दिस इज द सेंटर. सी बी द सेंटर विथ अफिक्स जेड नॉट. सो अफिक्स हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट करने के लिए. सो दिस इज अफिक्स जेड नॉट. सो सी एट द पॉइंट जेड नॉट. सो सेंटर सी ऑफ द सर्कल इज एट द पॉइंट जेड नॉट. एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो कंसिडर एनी पॉइंट पी ऑन द सर्कल एट अफिक्स जेड. अगर हम कोई पी पॉइंट सेलेक्ट करें सर्कल के ऊपर कहीं भी, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी, उसको हम कोई पॉइंट जेड मान लेंगे. देन हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर. और यही होता है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर. एक तरह से यह डिस्टेंस भी है. सो जेड माइनस जेड नॉट, यह हम उल्टा रिवर्स भी लिख सकते हैं, जेड नॉट माइनस जेड एंड दिस इज इक्वल टू आर. सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन विथ सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस आर. यहाँ पे जो सेंटर है वो क्या है, जेड नॉट है और रेडियस हमारा आर है. तो ये रहा इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. इसी तरीके से इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल. तो हम किसी सर्कल का इनवर्स पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं. तो टू पॉइंट सपोज करिए, कोई एक पॉइंट ए है जेड वन पॉइंट पे और कोई दूसरा पॉइंट बी है जेड टू पर, आर सेट टू बी इनवर्स पॉइंट. उन्हें हम इनवर्स पॉइंट कहेंगे किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, अगर जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर हो एंड इफ सेंटर ओ. तो किसी सर्कल z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर के लिए z1 और z2, तब हमारा इनवर्स पॉइंट होगा. इनवर्स पॉइंट जब इफ सेंटर ओ पॉइंट्स ए एंड बी, तो तब होगा जब हमारा सेंटर ओ, जिस सर्कल का हम इनवर्स पॉइंट निकालना चाह रहे हैं उस सर्कल का सेंटर और जो दोनों पॉइंट हमने लिया है वो दोनों पॉइंट कोलिनियर हो, यानी वो एक ही लाइन में हो. जैसे अगर हमने कोई सर्कल लिया और ये इसका सेंटर है और अगर हम यहाँ ए सोच रहे हैं तो मे बी बी इस तरफ हो और ये सारा एक ही लाइन में हो. इस तरीके से ये हमारा सेंटर हो गया ऐसे, ठीक है. तो इस तरीके से फिर हम कोलिनियर एंड ओ ए एंड ओ बी इक्वल टू आर. तो अगर हम इसको ओ मानेंगे सेंटर को ओ, तो ओ ए भी आर होता है और ओ बी भी एक तरह से आर होता है. तो ये ज़रूरी नहीं कि सेंटर के ऊपर ही ये आए, ये इस साइड भी हो सकता है. तो देन दिस एंड दिस तो ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है. सो देन जेड वन माइनस जेड नॉट इंटू जेड टू माइनस जेड नॉट. तो अगर हम इसको निकालेंगे, सपोज करिए कि हमारा ओ जेड नॉट पे है और ए हमारा जेड वन है और बी जेड टू है. तो z1 माइनस z0 का मॉड और z2 माइनस z0 का मॉड, ये दोनों r होंगे. तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, r स्क्वायर. तो ये इनवर्स पॉइंट तब कहलाएंगे जब हमारा सेंटर o, a और b कोलिनियर हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू आर स्क्वायर. तब हम लिख सकते हैं इस तरह से. और ये सारी दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो ही हम कहेंगे कि जो ए और बी है वो इनवर्स पॉइंट है इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, ठीक है. तो किसी सर्कल जेड माइनस जेड नॉट मॉड ऑफ आर के रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट तब इनवर्स पॉइंट कहलाएंगे जब ये और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी. इन पर्टिकुलर इफ़ जेड वन एंड जेड टू आर इनवर्स पॉइंट, तो जेड इफ नहीं होगा, जेड वन एंड जेड टू आर इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल. तो इस सर्कल के लिए इस सर्कल के लिए Z1 एंड Z2 जो है वो
इनवर्स पॉइंट होगा z मॉड ऑफ z इक्वल टू r के लिए अगर z1 और z2 का बार इक्वल टू r स्क्वायर होगा। ठीक है, तो z1 और z2 इनवर्स पॉइंट हो गए सर्कल के रिस्पेक्ट में, इस सर्कल के रिस्पेक्ट में मॉड ऑफ z इक्वल टू r के रिस्पेक्ट में z1 और z2 हमारा इनवर्स पॉइंट कहलाएगा जब z1 और z2 के बार का इनटू r स्क्वायर होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम z1 और 1 अपॉन z1 बार को इनवर्स पॉइंट कह सकते हैं, और इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 वाले सर्कल के लिए हमारा इनवर्स पॉइंट होता है z1 एंड 1 अपॉन z1 बार। तो ये रहा इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। ठीक है, तो ध्यान से समझना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ए और बी, जहाँ पे हम z1 और z2 ले रहे हैं, उन दोनों को हम इनवर्स पॉइंट बोलेंगे इस सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर ओ ए और ए बी सारे कोलिनियर हो और ओ ए इंटू ओ बी आर स्क्वायर हो और हम फिर उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो हम कहेंगे कि जो ए और बी है वो इनवर्स पॉइंट है इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए। उसी तरीके से जेड वन और जेड टू का इनवर्स पॉइंट बोलेंगे इस पर्टिकुलर इस सर्कल के लिए अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और उसी तरीके से जेड वन और वन बाई जेड वन भी इनवर्स पॉइंट होते हैं मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन इस सर्कल के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिमिट एंड देन कॉन्टीन्यूटी। सो लिमिट ऑफ अ फंक्शन, सो ए फंक्शन एफ जेड एक तरह का कम्प्लेक्स फंक्शन है। एफ जेड इज़ अ कम्प्लेक्स फंक्शन एंड इट सेट टू टेंड टू अ लिमिट डब्ल्यू नॉट एज जेड टेंड्स टू जेड नॉट, दैट इज लिमिट ऑफ जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो हम फंक्शन एफ जेड को तब बोलेंगे कि वो लिमिट एग्जिस्ट करता है जब जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू नॉट होगा। ये फर्स्ट ईयर से पढ़ते चले आ रहे हैं, सिंपल लिमिट का डिफिनेशन है। एंड इफ फॉर एवरी पॉजिटिव आर्बिटेरी रियल नंबर इफ साइलन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल सच दैट, इस तरीके से कि एफ जेड माइनस ओमेगा नॉट का मॉड लेस देन हो इफ साइलन से, और ये पता रहे कि हमारा जो इफ साइलन है वो पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव नंबर जो एप्सिलॉन है वो जीरो से ज़्यादा होगा, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है भले वो बहुत ज़्यादा नहीं हो, एक छोटा सा नंबर है एप्सिलॉन लेकिन वो पॉजिटिव होगा। एंड व्हेन जीरो मॉड जीरो इज़ लेस देन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल, और यहाँ डेल भी एक पॉजिटिव है और वो एक रियल नंबर है, और यहाँ पर जेड इज़ नॉट इक्वल टू जेड नॉट, तो जेड इक्वल टू जेड नॉट हो जाएगा तो फिर वो लिमिट की बात ही नहीं आएगी, फिर वो सिंगल एक पॉइंट हो जाएगा, फिर तो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो हम किसी ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं जो जेड नॉट की तरफ टेंड कर रहा है, वो तब कॉन्टिन्यूस होगा जब इस कंडीशन को वो होल्ड करेगा। तो उसी तरीके से कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट जेड इक्वल टू ए। तो हम किसी फंक्शन एफ जेड को कंटिन्यूअस कहेंगे किसी पॉइंट जेड इक्वल टू ए पर इफ़ इट इज़ गिवन दैट इफ साइलन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जैसा कि यहाँ पे था एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका मतलब वो ज़ीरो से ज़्यादा है, पॉजिटिव आर्बिटेरी रियल नंबर का मतलब क्या है ज़ीरो से ज़्यादा, और इधर भी पॉजिटिव रियल नंबर था यानी देयर एग्जिस्ट डेल इक्वल डेल ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट, ये भी कुछ उसी तरीके से है एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए का मॉड लेस देन एफ साइलन बिल्कुल सिमिलर, एंड व्हेन जीरो इज लेस देन मॉड ऑफ जेड माइनस वन लेस देन डेल। तो ये कंडीशन भी लगभग उसी तरीके से है, केवल यहाँ का पॉइंट जेड नॉट था और यहाँ का पॉइंट क्या था ए था, सो यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए लेते हैं। सो फ्रॉम एबव डेफिनेशन एफ जेड विल बी कॉन्टिन्यूस एट जेड इक्वल टू ए, कब होगा जब ये कंडीशन को वो होल्ड करेगा, लिमिट ऑफ जेड माइनस ए लिमिट जेड टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर हम ये वैल्यू डिफाइन करें और ये इक्वल टू आए एफ ऑफ ए के
तो हम कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है फंक्शन. ऑल्सो ए फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस इन ए रीज़न डी. तो किसी रीज़न डी में अगर किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है कोई एक क्षेत्र में, बड़ा सा हम मान सकते हैं जैसे ये रीज़न डी है, तो इसमें कोई भी फंक्शन को हम तब कहेंगे कॉन्टिन्यूस है ऑफ द कम्प्लेक्स प्लेन. किसी कम्प्लेक्स प्लेन में सपोज करिए ये किसी कम्प्लेक्स प्लेन में है एक्स एंड वाई, कोई एक क्षेत्र है जो डी है रीज़न डी, उसमें जो हमारा कोई फंक्शन है फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस होगा इस रीजन में, तब होगा जब इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ डी. अगर ये फंक्शन इस डोमेन में या एस डी में इस रीजन में रीजन के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा तभी हम कहेंगे जो हमारा फंक्शन है वो इस रीजन डी में कॉन्टिन्यूस है. क्लियर? तो ये फंक्शन तभी कॉन्टिन्यूस होगा किसी पर्टिकुलर रीजन डी में जब वो फंक्शन उस पर्टिकुलर रीजन के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा. तो ये थी हमारी डिफिनीशन लिमिट की एंड देन कॉन्टिन्यूटी की. सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में से हम शुरू करेंगे जो थर्ड ईयर का मेन पार्ट है एनालिटिक फंक्शन. सो सबसे पहले डेरिवेटिव्स डिफाइन करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, उसके बाद फिर एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट होगा जो मेन कोर्स है हमारा थर्ड ईयर वाला, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक यू.